यदि किसी की कुंडली में सूर्य प्लैनेट नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस का स्वामी है, और वो सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो उनके जीवन में सूर्य वीक रहता है, सूर्य के रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं, और उस इंसान को अपने जीवन में करियर से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। अगर ऐसी प्लेसमेंट किसी के कुंडली में हो और वो अपने सूर्य को बलवान करें एक अच्छी क्वालिटी का रूबी जेमस्टोन धारण करके, एक ओरिजिनल और प्योर वैदिक क्वालिटी का अगर हम रूबी धारण कराते हैं उनको, तो उनके जीवन में सूर्य के रिजल्ट्स, सूर्य के इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं और उनको लाइफ में करियर और हेल्थ से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो काफ़ी जल्दी उन चीज़ों से ओवरकम कर जाते हैं। बस इस केस में एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि रूबी जो वो धारण करें वो प्योर नेचुरल हो, नॉन ट्रीटेड हो, और रेड कलर का रूबी हो, और प्रॉपर उनके बॉडी वेट के अनुसार सही वेट का रूबी धारण करें, और प्रॉपरली उनके नाम से, राशि से, गोत्र से, जो उसका स्पेशल एनर्जाइजेशन होता है सूर्य के वैदिक मंत्रों से, उससे उसको एक्टिवेट करके अगर वो रूबी धारण करें तो उनके लाइफ में उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील होगा विद इन अ फ्यू डेज ऑफ वेयरिंग द रूबी। डिपेंडिंग रूबी का क्वालिटी कैसा है, वो बर्मा ओरिजिन है या अफ्रीकन ओरिजिन है, उसके अनुसार उनके जीवन में उतनी जल्दी और उतने अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं करियर और हेल्थ से रिलेटेड। कृपया करके हमारे YouTube चैनल पे वैदिक रेमेडीज से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।